सिद्धार्थ जी स्वागत है। बताएं सर, पहले तो इस हफ्ते कौन सी थीम आपने चुनी है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। अनिल जी आप कोई डिफरेंट लोकेशन में बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, तो उसी के साथ आज पहला जो मैं थैंक यू सर थीम वो है रक्षा का। और जिस हिसाब से रूस यूक्रेन के बीच में जो तनाव है, इससे सिक्योरिटी बहुत बड़ी एक अहम चीज हो गई है सारे देशों के लिए, सभी के लिए। तो आज जो थीम है वो रक्षा से रिलेटेड है, डिफेंस, और डिफेंस के योद्धा ढूंढने की बहुत जरूरत है। तो आज का जो थीम है डिफेंस योद्धा, क्यों? क्योंकि इंडिया डिफेंस में प्रोडक्ट जो टारगेट कर रही है $25 बिलियन तक हो जाएंगे 2025 तक। डिफेंस के एक्सपोर्ट भी करने की योजना है भारत द्वारा, वो आने वाले 2 सालों में मिलिट्री हार्डवेयर $5 बिलियन के एक्सपोर्ट हो सकते हैं। 65,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं विभिन्न कंपनियों को, उनके डिफेंस की कंपनियों को। डिफेंस में 70%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 70% सेल्फ रिलायंट होने की बात कर रही है भारत सरकार 2027 तक। प्राइवेट सेक्टर्स को भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हमें ये माहौल में सबसे इंपॉर्टेंट है जो देखना है वो कौन से है? डिफेंस के योद्धा। ओके, तो डिफेंस की थीम पर है फोकस इस वक्त आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी स्टॉक्स भी बताएं, कितना कितना एलोकेशन करना है हर एक स्टॉक में वो बताएं, और कितने परसेंट रिटर्न के उम्मीद रखकर करें, ये तीनों चीज बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, ये योद्धा, 4 योद्धा को लेकर आया हूं डिफेंस की थीम में। और ये योद्धाओं में सबसे पहला योद्धा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी भसीन साहब भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रहे थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सही में सटीक सुप्रीम कंपनी है डिफेंस में। 30% 30 रुपए लगाने हैं, 100 रुपए में से 243 का टारगेट, 243 का टारगेट भारत इलेक्ट्रॉनिक। नवरत्न पीएसयू कंपनी, 56,000 करोड़ का ऑर्डर बुक। साथ ही साथ एयर मिसाइल सिस्टम्स, आकाश मिसाइल, बैटलफील्ड सर्वेलेंस, बहुत सारे सिस्टम्स में इनका भाग योगदान रहता है। 12 से 15% से ग्रो हो सकती है कंपनी, और 20 से 22% का मार्जिन हो सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक। दूसरी दमदार कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। टारगेट होगा 1600 रुपए का, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की एकमात्र सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, हेलीकॉप्टर्स रिपेयर्स मैन्युफैक्चरिंग की ओनली कंपनी है भारत में, 48,000 करोड़ का। तो तेजस की 83 तेजस जो एयर मिसाइल है, फाइटर जेट है, उसकी डील मिली है। टोटल ऑर्डर बुक 54,000 करोड़ और केपेक्स भी है आने वाले समय में। तीसरी कंपनी है मजगांव डॉक, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। टारगेट होगा 300 रुपए का, 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ वॉरशिप्स सबमरीन्स जो नेवी में लगता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, और बिल्ड कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रॉयर्स बनाती है। साथ ही साथ 5 से 7 हजार करोड़ का तो बैंक FDA, 500 से 700 करोड़ का तो इंटरेस्ट इनकम है मजगांव डॉक। चौथा योद्धा डिफेंस का होगा क्यूमिंस इंडिया। अब आप चौंक रहे होंगे क्यूमिंस कैसे, इंजिन बनाने की लीडिंग कंपनी क्यूमिंस, और ये सब डिफेंस इक्विपमेंट में इंजीनियरिंग और इंजिन की बहुत जरूरत पड़ती है। डीजल और फ्यूल इंजिन बनाने का लीडर क्यूमिंस, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, ब्राउटर आउटलुक है, 19% का CAGR ग्रोथ हो सकता है, 15 से 17% मार्जिन। तो ये चारों योद्धा डिफेंस के एकदम लीडिंग फ्रंट पे है, और ये योद्धा को खरीदना चाहिए आपको 12 महीने के पर्सपेक्टिव से डिफेंस के योद्धा। ओके, तो BEL, HAL, मजगांव डॉक और कमिंस, ये 4 योद्धा सिद्धार्थ जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जो इनकी डिफेंस थीम है, यहां पर आप बड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कॉल्स शेयर करने के लिए। इनफैक्ट HAL रेडार पर भी आ रहा था क्योंकि आज सुबह से ही काफी पॉजिटिव मूव भी दिखा रहा है, तो टेक्निकली भी वहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, एंड ऑफकोर्स फंडामेंटली तो सिद्धार्थ जी को पसंद है।